गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वाय स्टार्टअप फेल्ड, मतलब कैसे रहता है कि हम, आपने देखा रहे क्या, कोई भी बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंट्री में या बाहर कहीं पे भी, तो वो स्टार्टअप करने से ही पहली, मतलब स्टार्टअप करते करते एक साल दो साल में ही फिनिश हो जाता है, और फिर आप मतलब एक दूसरे पे ऊपर ब्लेम या जो भी है ऐसी चीज़ें होती है, वो वैसे वाली चीज़ क्यों होती है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सर्विसेज अपने को ज़रूर रहती है कि वो स्टार्टअप हम आगे रन कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है और हम भी हमारी तरफ से क्या ज़रूरत है आपके पास प्रोवाइड करते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो हम इसमें क्या क्या बताने वाले हैं, तो पहले तो बेनिफिट्स है कि हमारे साथ स्टार्टअप आपका कैसे आगे जा सकता है, आगे ले सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम सीखेंगे, और आपके जो भी इसके रिलेटेड, मतलब हमसे काम करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये से क्या ज़रूरत है ये देखेंगे हम, फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेंगे, मतलब हर एक चीज़ पे, जैसे ये अभी बता तो रहा हो लेकिन हाँ ये एक्चुअली में कैसे काम होगा, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ओके, और फिर थर्ड वन में है ऑफ़र भी है इसमें, तो वीडियो देखते रहिए, आपको ऑफ़र भी पता चल जाएगी कि क्या ऑफ़र है बेनिफिटली, मतलब हम लोग कई 1000 लोगों को जिनको बिज़नेस स्टार्टअप करना है या बिज़नेस ऑलरेडी स्टार्टअप है, तो उनके रिगार्डिंग 1000 लोगों को हम फ्री में भी गाइड करने के लिए तैयार है। ओके, तो चलो वीडियो को शेयर करते हैं, सॉरी शुरू करते हैं। ओके, सो ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि बेनिफिट्स भी प्रोवाइड, मतलब हम क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाले हैं ये पहले आपको हम बता रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो देखने का मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि हाँ खाली प्रॉब्लम तो सबको पता है भाई, बट सॉल्यूशन क्या है उसका, तो सॉल्यूशन पहले देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट, अभी फाइनेंशियल कंसल्टेंट कैसा है, जिन लोग का ऑलरेडी बिजनेस स्टार्टअप है, ओके, और वो सोच रहे हैं कि हमें किसी लोन चाहिए या इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके रिगार्डिंग, या अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन बनाना है अच्छा कंपनी का, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आपकी हेल्प करवा लेंगे। ओके, सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आजकल के लाइफ में बहुत फ़ायदेमंद है, फ़ायदेमंद इसलिए है कि सब सोशल मीडिया पे पहुंच चुके हैं, और अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, क्या बेचे, उसमें क्या क्या कैटेगरी, अभी देखो कई बार ऐसे हो रहता है कि हम लोग स्टार्टअप तो कर लेते हैं लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ कहाँ पे बेचना है, क्या बेचना है, ये सब उसमें बहुत हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। क्यों जाता है कम, क्योंकि हम अपना जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके रखते हैं, कोई भी चीज़ पे, जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है तो भाई वो कपड़े का देखेगा क्वालिटी क्या है कैसा है, बेचने वाला हो तो नेचुरल मार्केट से भी, लेकिन जो अभी का जो ट्रेंड चालू है, जिस लोग जिसे ईजीली कैच कर सकते, ये ऐसे बहुत सारे रास्ते डिजिटल मार्केट की वजह से ओपन हो चुके हैं। ओके, थर्ड वन है कोवर्किंग स्पेस, अभी कोवर्किंग स्पेस में मतलब क्या है कि आप बिज़नेस तो करना चाहते हो या बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं करते कि भाई मैक्स टू मैक्स अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट दे और वो जगह ले ले, और क्या पता वो एक साल चलेगी भी नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं रहती, तो और कई बार ऐसा रहता है कि जैसे एक जगह पे ऑफिस काम कर रहा है फलाना, सपोज पकड़ के चलो एक इंडिया में काम कर रहा है या पाकिस्तान में काम कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मैं जो दुबई में भी ऑफिस मुझे शिफ्ट करना है, तो दुबई में फिर से लेना, फिर वहाँ का जगह का भाड़ा ये सब, तो इसके रिगार्डिंग कोवर्किंग स्पेस आपको बहुत अच्छा ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं और कम रेट में, और वो आपके ऊपर है, मतलब एक महीना चलाना है, दो महीना चलाना है, तीन महीना चलाना है, कई बार तो ऐसे भी रहता है कि साल भर का एक नॉर्मल उनका मेंबरशिप रहता है, और आपको जब चाहिए तब आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, आपके एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस भी मिल जाता है, तो ऐसे बहुत सारी बेनिफिट्स रहते हैं, लेकिन ये स्टार्टअप वालों को या बिज़नेस जो कर रहे हैं उनके दिमाग में ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है,
ओके, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हर कोई स्टार्टअप है, कोई कंपनी वाला अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने जो काम बेचना चाहता है उसके ऊपर फोकस करता है, तो इसके लिए इसकी रिगार्डिंग वो कभी कभार उनको पता नहीं रहता। ओके, थर्ड वन है स्टार्टअप बिजनेस कोचिंग। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे है पता है? अभी मैं हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई हम आपको MBA सिखाएंगे या जो भी है, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए फाइनेंशियली, बाकी के रिलेटेड, ओके, जो भी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी पर्पसिंग, लाइसेंस, लीगल पर्पस पकड़ के चलो, सेल्स के बारे रिगार्डिंग हो गया, ये अगर आपको पता रहेगा पहले से तो आप प्रिपेयर रहोगे। ओके, जैसे कि देखो पता है आपको कि आप वर्कआउट करने जाते हो, जिम में वर्कआउट करने जाते हो, तो आपको डाइट भी पता हो अगर रहेगा तो आप जिम का अच्छे से इफेक्ट आपके बॉडी पे हो जाएगा। तो सेम कंडीशन वैसा ही है बिजनेस में। बिजनेस क्यों करना है, किस लिए करना है, उसकी क्या क्या चीज़ें है, कॉम्पिटिटर जो आप कर रहे हो उसका ऑलरेडी मार्केट में वैसा कोई चीज़ है या नहीं है, अगर वो है तो उसके रिगार्डिंग आपका प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी है। और आप फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, नहीं तो ऐसा नहीं कि चलो आप मतलब दुनिया बदल रही हो लेकिन आपका प्रोडक्ट वही के वही है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है अगर किसी भी स्टार्टअप कोचिंग में। ओके, फिर आ जाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट, कि देखो प्रोडक्ट बना लिया, सर्विसेज शुरू कर दी, लेकिन अगर उसको बेचेंगे नहीं अच्छे से, ओके, तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, मार्जिन कैसे, अपना जो माल है उसका वैल्यू कैसे रिटर्न आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों में सेल्स का भी अभी नए नए टेक्निक, CRM कैसे यूज़ करना, या फलाना बाकी का सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या पकड़ के चलिए कि हर एक कंट्री वाइज आपका प्रोडक्ट है क्या, वो उसमें वैसी क्वालिटी है क्या, ये सब देखना ज़रूरी है। उन लोग का जैसे कई कबार फेस्टिवल्स रहते हैं, क्या कई कबार जैसे स्कूल शुरू हो जाते हैं भाई एक पकड़ के चलिए मई के बाद, ओके, तो उस रिलेटेड क्या काम है, काम काम उस रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है क्या। तो हर एक नेचर वाइज या आपके जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट उससे रिलेटेड है क्या, बेचेंगे क्या, कब बेच सकते, ये ज़रूरी है। जैसे बारिश का टाइम है तो छाता बिकेगा, अगर वो धूप का टाइम है तो छाता बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा, तो वो सब सीजन वाइज अपने को स्टडी करना ज़रूरी है। ये सेल्स में पूरा काम आ जाता है कि कैसे रिलेटेड है। और दूसरी फार उसकी सेल्स की प्रोडक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज वो ये भी पता होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी मोबाइल फ़ोन लेते हो तो आप उसमें देखते हो कि उसमें कितना GB रैम है, कैमरा क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाओगे और बोलोगे भाई पुराना सबसे पुराना रहेगा वो दे दो। हाँ वो बोल भी सकते हो, लेकिन वो आप शायद आपके मेट्स को दे रहे हो मोबाइल फ़ोन लेके, या आपका जो कोवर्किंग कोई विलेज में है उसको दे रहे हो कि भाई चलिए खाली फ़ोन के लिए यूज़ अपने को चाहिए। तो ये ज़रूरी है सेल्स में, हर एक प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, ये डिस्कस या इसके बारे में जो भी गाइडलाइन है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आ जाता है कैपिटल वेंचर। अभी कैपिटल वेंचर यानी CVB बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ये एंजल इन्वेस्टर, ये इन लोग के लिए है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट हो चुका है, ओके, उसके रिगार्डिंग उनको फंड चाहिए, एसेट चाहिए, तो ये मोस्टली हो जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई नहीं कि टेक कंपनियां रहेगी तो ही इन्वेस्टर ऐसे वाले मिल जाते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो भाई ऐसा नहीं है, देखो मार्केट में ऐसे 5% बिजनेस इंडस्ट्री है, 5% जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो 5% को पैसा नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन आइडियाज़ भी उसी तरह से 95% बड़ा होना चाहिए। ओके, बड़ा इन द सेंस मतलब क्या है कि देखो हर एक चीज़ में प्रॉफिट, क्वालिटी, क्वांटिटी ये और फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं ये देखना ज़रूरी है। आपका उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कितना है, ये सब। कभी कभार क्या होता है कि देखो उसमें प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख के रखते हो और सब कुछ ये कर बना देते हो कि वो प्रेजेंट करते टाइम आपको भी याद नहीं रहती कि भाई मैंने लिखा क्या है उसमें, क्या चीज़ है। तो इसके बाद कभी कभार वो कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर रिजेक्ट कर देते हैं,
कभी कभार ऐसे हो जाता है कि आप बना तो लेते हो, पसंद भी आ जाता है, लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं उसका प्रेजेंटेशन है ये अच्छे से नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये मतलब अगर आप एंजल इन्वेस्टर या सीवी के पास बैठ रहे हो तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और ये सीवी और एंजल इन्वेस्टर ऑलरेडी हम लोगों ने जो पहले एग्जिस्टिंग काम जितने किए उसके पास से जितने भी कांटेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट है तो वो डेटा हम आपके पास शेयर कर सकते हैं, उसका मीटअप अरेंज कर सकते हैं। तो उसमें आपको हेल्प क्या मिलने वाली है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए जो भी फंड के रिगार्डिंग कुछ भी है तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल गया, ये सब कुछ चीज़ें भी हो मिलगी एक्सपेंस के साथ, तो आप अपना प्रोजेक्ट आगे उनके रख सकते हैं। अगर कुछ गलतियाँ रहेगी तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमें काम करके निकलना है, मतलब आगे जाना है, हमें ये नहीं करना है कि वहीं पे रुकना है कि अरे क्या हुआ सिर पकड़ के बैठ गए भाई नहीं चल रहा है अभी क्या होगा वैसे क्या होगा, वैसा नहीं है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग के थंबनेल पे मैंने आपको जैसे बता दिया कि स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं, ओके ये ज़रूरी है, स्टार्टअप फेल क्यों होते इसका सवाल ढूंढो, सॉरी जॉब ढूंढो, फिर आपको आराम से आपका सॉल्यूशन जो भी बाकी के चीज़ें मिल जाएगी। फिर रहता है कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस आइडिया, ये इनके लिए है कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं ओके डोमेस्टिक लेवल पे यानी अपने ही देश में या अपने देश के बाहर, तो उसके रिलेटेड क्या क्या आइडियाज़ है। कई बार रहता है अपने माइंड में आइडियाज़ लेकिन वो कैसा रहता है, देखो अभी आपको भी पता रहेगा फलाने ने एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो दूसरा भी उसी बिज़नेस में आ जाता है, तीसरा भी उसमें बिज़नेस, तो उसमें क्या है पता वो मार्केट तो क्रिएट हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो कितना कितना देर तक सस्टेन चलेगा ये भी देखना ज़रूरी है ना। सेम ही सर्विसेज है तो भाई कितना चलेगा, कुछ तो डिफरेंस उसमें होना चाहिए ना। तो यही आइडियाज़ का मतलब मीनिंग है कि आपके आइडियाज़ फ्यूचर के रिलेटेड है या नहीं है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओके फिर आ जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और उसको अपने देश के बाहर बेचना है ओके, या जो बाहर से जो प्रोडक्ट अच्छा है जैसे अभी पकड़ के चलो इलेक्ट्रॉनिक्स है ओके चाइना से, तो आप चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स मंगवा रहे हो या कोई भी चीज़ है जो वो चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हो अपने देश में, तो वो कैसे किए जाते हैं उसके रिलेटेड क्या क्या क्यूरीज है ये सब कुछ देखना जरूर, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऐसा बिज़नेस है ना, बस ट्रेडिंग का बिज़नेस है, उस पर आप ज़्यादा ज़्यादा देर तक बैठने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा प्रॉफिट आएगा बेचूंगा तो भी। हाँ अगर आप पूरा विंग्स संभाल रहे हो तो अलग है, मतलब आप इम्पोर्ट भी कर रहे हो और फिर खुद ही उसको मार्केट में खुद ही नाम से बेच रहे हो ओके रिटेलर बेस पे भी, तो अलग है। हाँ खाली आप इम्पोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को बेच डायरेक्टली दे रहे हो तो बात ही कर लो ना, आएगा माल आपके काउंटर पे उसके पहले ही आपके सब परचेस करने वाले तैयार रहेंगे वो ले लेंगे। सेम वैसे ही रहता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भाई एक्सपोर्ट के पहले ही आपके कस्टमर सब कुछ रेडी रहेगा ना, तो आपको माल बनाना है दे बेच देना, आपका प्रॉफिट लेना है, और जो भी बैंकिंग पॉलिसीज है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे उसको हैंडल किया जाता है शिपिंग के बारे में ये सब कुछ हम लोग उसमें सीखेंगे उसमें बताएंगे ओके। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वही मैंने पहले ही आपको एंजल और सीवी पे बता दिया, और उसमें अगर मुझे ऐड ऑन करना रहेगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज़ रहती है कि आप कोई भी अपना जो भी बिजनेस या प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ काम करने के लिए क्या चाहिए, पहला तो भाई एक अच्छा आइडिया चाहिए ओके, दूसरा क्या है चलो थोड़ा स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए ओके, तीसरी चीज़ आ गई भाई उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती वो ले लो और शुरू कर देते, बाकी कुछ देखते नहीं कि जो हम बना रहे हो वो मार्केट में प्रोजेक्ट है या नहीं है, फलाना कितने देर तक सस्टेन करेगा, कहाँ कहाँ पे चल सकता है, कौन सा कंट्रीज उसके लिए इफेक्टिव है ओके पॉजिटिवली या जो भी चीज़ है कहाँ कहाँ पे, मतलब कोई भी ऐसे भी रहता है कि देखो मैं आपको बताता हूँ एज अ पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस कि बहुत बार ऐसा देखा गया है मैंने कि पैसे सब है ओके पैसा है सब कुछ है उसके पास, मतलब जो बेसमेंट एक जरूरी है लेकिन आइडियाज़ नहीं रहता, क्योंकि आइडिया रहे ऐसा नहीं है कि आइडिया उसके मन में नहीं आता जो भी, लेकिन जो आइडियाज़ ऐसा चाहिए कि उसकी प्रोफेशनल पूरी प्रोजेक्ट टीम वो स्टडी करेगी आपका आइडियाज़ क्या है फाइनेंशियल और बाकी के सब तक, तभी वो पैसा 1 रुपया डालेगा। और कई बार ऐसे देखा है कि
कि प्रोजेक्ट का कुछ स्टडी नहीं है, बस पैसा डाले जाओ डूबते जाओ, बंद मतलब बस एक क्या बोलते हैं ना, एक क्रेजीनेस, भाई मैं कंपनी चला रहा हूँ भाई ये दिखाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो वो चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे है। देखो आपको काम करना है तो आपको फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए, आपका आगे बढ़ना है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करके आगे जाना है, ये सब चीज़ें, कस्टमर के लिए हेल्पफुल प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सब देखना ज़रूरी है। तो ये सब भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे रहता है, जैसे देखो आप शर्ट बना सकते हो, तो शर्ट से रिलेटेड आपको जो बटन लगने वाला है, तो भाई बटन भी कोई देने दे सकता है ना। ओके, तो ऐसे सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे सीखोगे। फिर आ जाएगा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कैसा है कि जैसे रिलेटेड आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगा, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले बहुत सारे ऐसे भी सेकेंड ट्रेड फर्स्ट ट्रेड वाली भी कंपनी, फर्स्ट ट्रेड सेकेंड ट्रेड, वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो कंपनी हम अप्रोच होते हैं किसी भी सर्च इंजिन के थ्रू, तो वो तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाती, वो दूसरे से बनवा के लेती है। तो अपना आइडियाज़ हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर हमें वो इंजीनियर मिल रहा है क्या कि भाई हाँ ये एंड यूज़र है, ये फलाना है, इसको एक्सपीरियंस है, इसने ऑलरेडी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए हैं और वो बना के दे रहा है। कभी कभार ऐसे रहता है कि एक्सपीरियंस और नाम बनने के बाद अपने अपने को सॉफ्टवेयर का प्राइस तय करना नहीं आता कि भाई ये सही में उतनी ही प्राइस का है कि हम ले लेते फटाक से, और बाद में पता चलता है कि वो हर अपडेशन पे हम लोग को पैसे चार्ज कर रहा है। ओके, और फिर वो बहुत आगे हो जाता है। और कभी कभार ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये हुआ ही नहीं है वेबसाइट ठीक से, अभी कैसे करेंगे या जो भी है। कभी कभार वैसे ही होता है कि हार्डवेयर, जैसे आपने देखा रहेगा कि मैकबुक प्रो ले लिया आपने। ओके, मैकबुक प्रो ले लिया, तो भाई मैकबुक प्रो लेते समय हम तो खाली माइंड में इतना ही रखें कि मैकबुक प्रो चाहिए, मैकबुक प्रो चाहिए, मैकबुक प्रो चाहिए, लेकिन भाई मैकबुक प्रो जैसा अपना काम भी है क्या, ये भी देखना जरूरी। तो खाली बिल 2.5 लाख रुपए वहाँ पे वेस्टेज डाल के मतलब नहीं है ना, जो भी है। ओके, तो इससे अच्छा अगर आपका मैकबुक एयर पे आपका काम हो रहा है तो भी आप कम कर सकते हो। मतलब क्या, जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उतना ही इन्वेस्टमेंट करो और उससे आगे बढ़ो। काम होना ज़रूरी है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जुगाड़ करो, भाई जुगाड़ की बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है जो हेल्पफुल चीज़ रहती है उसका एडवांटेज लो और आगे बढ़ो। ओके, फिर आ जाते हैं लीगल एंड सीए सर्विसेज पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो लीगल सर्विसेज पे कैसे रहते, देखो हर एक बिजनेस को मैं तो बोलता हूँ कि भाई पहले लीगल एडवाइज़र रख लो स्टार्टिंग से, अटकना नहीं है कहीं पे भी, अटकना नहीं है। बिजनेस का मेन सिद्धांत ये पहले रखो कि कोई भी काम ऐसा इलीगल मत करो कि जिसमें आप अटक जाओगे बाद में। तो पहला एक अपना एडवोकेट हायर करके रखो या लीगल सर्विसेज हायर करके रखो, जो अपना हर एक चीज़ को वो सही है गलत है क्या है वो सब दे समझ में आए। तो क्योंकि देखो आगे बढ़ना ये एक चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही चलेगा सब कुछ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना किसी ने उंगली कर दी या कुछ भी हो गया, तो फिर आप वही सब चीज़ें देखने के लिए मतलब अटक जाओगे कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है ये सब चीज़ें। ओके, फिर आते हैं हम लोग अदर सर्विसेज में हम लोग क्या देखेंगे कि देखो अगर ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं या जितने भी मैंने अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन बताई उससे भी आगे कोई भी ऐसी चीज़ मेरे से मिस हो चुकी होगी, ओके, तो मुझे पहले तो माफ़ कीजिए। ओके, और सेकेंड वन सॉरी, जो भी चीज़ें मिस होगी वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो मेल आईडी पे, मैं आगे आपको मेल आईडी भी देने वाला सॉरी, तो उसके रिलेटेड भी हम आपको हेल्प करेंगे। मैं इतना ही बोलूँगा कि जितने भी स्टार्टअप फेल होते हैं तो फेल होने का कोई भी रीज़न है, ओके, विदाउट आप ऐसे नहीं मत सोचे कि नहीं भाई ये पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, वो पार्टनर ने धोखा दिया, ये हो गया, पैसा नहीं मुझे मिला, मुझे मेरे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, मुझे मेरा प्रोजेक्ट का पैसा, मैंने माल बेचा तो वहाँ से मुझे पैसा नहीं आया। तो देखो ये सब आर्गुमेंट्स हैं, और अगर हम आर्गुमेंट्स ही करते बैठेंगे तो बिज़नेस आगे नहीं जाएगा, ये कभी भी याद रखिए। और बिज़नेस आगे लेके जाने के लिए हमें हर एक चीज़ हर एक बात को
सीखनी पड़ेगी और अच्छे से समझनी पड़ेगी कि उसके एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ है, और फिर हम अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो, आइडियाज कितना भी बड़ा रहो लेकिन उसका इम्प्लीमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो वो आइडियाज ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। और उससे रिलेटेड अगर आपको और बातें जाननी है तो ऑब्वियसली मैं आपको इससे रिलेटेड और बातें भी बता दूंगा अगर वैसे आपके कमेंट्स आते हैं तो। ओके, श्योर। नेक्स्ट नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या है भाई। नहीं, रिक्वायरमेंट यहाँ पे अभी के टाइम के हिसाब से हम लोगों ने रखा हुआ है $1 फीस, ओनली $1 फीस। अभी $1 फीस ये किस लिए है? जो भी हमारा हम नॉलेज आपके पास शेयर कर रहे हैं तो भाई उसका एक $1 फीस हम लोगों ने वन टाइम के लिए रखा हुआ है। क्योंकि अभी का माहौल भी फाइनेंशियली सबके लिए अच्छा नहीं है, तो इसके लिए कम फीस में ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा अपग्रेडेशन हो, इसके लिए $1 फीस रखा हुआ है। और साथ साथ आपका एक मेल आईडी लगेगा, जिस भी मेल आईडी से आप हमसे कांटेक्ट या जो भी बात करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग नंबर लगेगा, व्हाट्सएप नंबर को शेयर करना है, बताना है आपको जो भी चीज़ रिलेटेड। ओके, और ईमेल आईडी का दूसरी एक भी बात में इसलिए है कि कोई भी अगर आपको कॉल करना रहेगा तो वीडियो कॉल के लिए सर ईमेल आईडी बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमेशा वॉइस कॉल ही करेंगे ऐसी तो बात नहीं है ना, कभी कभार फेस टू फेस भी मिल लेंगे, राइट। ये भी चीज़ है। और फेसबुक अकाउंट इसलिए कि हमारा एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप में कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें भी, जैसे देखो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या जो भी फिलहाल नहीं है, बाकी की चीज़ें मीटअप ऑर्गेनाइज करना है या किसी बात पर बात करना शुरू करना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू रखना है या जो भी चीज़ें या अपडेशन अदर, तो आपको जैसे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं तो वैसे फेसबुक पे आप वो रिलेटेड पर्टिकुलरली रिलेटेड उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो इसके लिए फेसबुक अकाउंट ज़रूरी है। ओके, हैबिट्स वर्क, ये काम कैसे करेंगे हम लोग? तो पहले तो बात ये बात देख लीजिए कि या वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को अपने फैमिली में जुड़ने के लिए, और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ओके, और वो फ्री है, उसका पैसा नहीं लगता, ये आपको सबको पता तो है। ओके, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग के पास ये शेयर वीडियो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, और सेकंड, आपका कोई भी क्वेश्चंस रहेगा ये वीडियोस हो जाने के बाद, फिर आपका कोई भी क्वेश्चंस, आपके रिक्वायरमेंट्स जो भी जिस भी रिलेटेड, तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल आईडी है GULF gulfbusinesstech@gmail.com। ओके, फिर आगे आ जाता है कि ये मेल करने के बाद क्या होगा, तो वही मेल करने के बाद आपको एक पेमेंट लिंक उसमें आ जाएगी, उसमें आप $1 पे कर सकते हो आपके कार्ड से, जो भी ई वॉलेट उसके थ्रू, पेपल अकाउंट उसके थ्रू आप पे कर सकते हो $1। ओके, और फिर है एक, ये पेमेंट हो जाने के बाद क्या है कि आपका एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, उस कंफर्मेशन ईमेल में आपको पासवर्ड यूज़र आईडी दिया जाएगा जो भी बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो आप उसमें से आप वो पासवर्ड ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। ओके, और जब भी कोई भी मीटअप रहेगा या फलाना, तो आपको बुलाया भी जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्या होगा कि हम हर एक बात जितने जल्दी हो सके, जितने बेहतर हो सके वो करने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो ये सब है। और फिर मेल कंफर्मेशन मेल आ जाने के बाद हम प्रॉपरली आपके जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका स्टार्टअप है, उसके रिलेटेड काम करना शुरू कर देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट बात आ जाती है स्पेशल ऑफ़र। तो स्पेशल ऑफ़र वही दोस्त लोग, ये है कि अगर हम ये महीने में, अपना चैनल तो नीव है अभी, ज़्यादातर कितने देखते क्या देखते पता नहीं है, और भाई तो इससे रिलेटेड अगर आपको सॉरी अगर हम 100,000 सब्सक्राइबर बना लेते ये महीने में, और ये बनाना कैसा है चैनल को, अगर आप हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, उनको बताएंगे तो उनको पता लगेगा, उनको लगेगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट है तो। ओके, और ये नॉलेज के पर्पस के लिए भी ठीक है भाई। हाँ, जब बस अपना
नॉलेज गेन करना है जिन लोगों के लिए कि आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं बिजनेस करने के लिए, अब हाँ मेरा कोई तो दोस्त है वो भी सेम प्रॉब्लम से सफ़र करता है, तो शायद ये उसके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। ओके वो सर, या कई कबार ऐसे रहता है कि देखो फैमिली से सपोर्ट नहीं रहेगा, तो फैमिली में बताने के लिए भाई हाँ क्या क्या, क्योंकि देखो बिजनेस के लिए वैसा माहौल भी ज़रूरी है, और माहौल कभी कभार ऐसे रहता है कि हम खुद ख़राब कर देते हैं खुद की चीज़ों की वजह से, तो वो भी बात देखना ज़रूरी है, तो वो सब स्टार्टअप कोचिंग में आ जाएगा आपको। ओके तो यहाँ पे फोकस करते हैं, तो मीन्स क्या है 100,000 सब्सक्राइबर अपने को कंप्लीट अगर होते हैं, और उसमें से जो भी बंदे सब्सक्राइब भी किया हुआ है और लाइक भी किया है वीडियो को और कमेंट्स में यस आई वांट करके लिखा भी है, ऐसे 1,000 पहले सब्सक्राइबर को वॉल्यूम को ये सर्विसेज फ्री में यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनको $1 पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में